नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज कानपुर हिंसा पर जिहादियों की ऐसी साजिश का खुलासा करेंगे जिससे आप भी दहल उठेंगे, क्योंकि मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के बाद पुलिस के हत्थे तीन ऐसे लोग चढ़े हैं जिन्होंने हिंसा की कहानी में नया ट्विस्ट ला दिया है। ये तीन लोग उस जिहादी गैंग के हैं जिसका नाम सामने आने पर देश में नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल हम बात पीएफआई की कर रहे हैं, वो पीएफआई जिसका राज खुला तो देश के कट्टरपंथी बिलबिला उठे, सफाइयां देने पर उतर आए। लेकिन अब पुलिस ने पीएफआई से जुड़े तीन लोग सैफुल्ला, नसीम और उमर को गिरफ्तार किया है, जो इस हिंसा में पत्थरबाजी करने और पत्थर इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। तीनों का सीधा सीधा कनेक्शन पीएफआई से है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या विदेश से मोदी योगी के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या विदेशी फंडिंग से कानपुर में हिंसा भड़काई गई? क्या हयात लंबे वक्त से हिंसा की प्लानिंग में जुटा था? क्या पीएफआई पर योगी का तगड़ा एक्शन होगा? ये सवाल साफ साफ बयां कर रहे हैं कि ये पूरी प्लानिंग मोदी योगी के खिलाफ थी। विदेशों से इस साजिश की स्क्रिप्ट तैयार हुई और इन जिहादियों के कंधों पर बंदूक रख कर चलाई गई। इतना ही नहीं, पीएफआई के जो तीन दंगाई पकड़े गए हैं वो पहले सीएए एनआरसी हिंसा के दौरान भी गिरफ्तार किए गए थे, तब भी इन पर तमाम तरह के खुलासे हुए। अब कानपुर हिंसा की जाँच के दौरान तीनों का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में इन तीनों ने पत्थरबाजी करने का काम और पत्थर जुटाने का काम किया था। ये तीनों हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के संपर्क में थे। अब पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने खुलासा करते हुए खुद बताया है, कानपुर हिंसा केस में पुलिस ने पीएफआई के पांच सदस्यों की पहचान की थी। इनमें से तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है और एक चलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस को शक है कि पीएफआई के अन्य सदस्य भी शहर में मौजूद हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर जांच चल रही है। हिंसा केस में अब तक 54 गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं अब पुलिस पीएफआई के इन तीन सदस्यों के बैंक खातों की जांच करेगी। पुलिस की नजर इस बात पर है कि क्या इनके बैंक खातों में भारत के बाहर से पैसा आता था। पुलिस इन आरोपियों के बैंक खातों में बाहर से आए पैसों के बारे में जानकारी जुटाएगी, साथ ही पता लगाएगी कि अगर पैसा आता था तो कहां से आता था। इसके अलावा उन्हें मोटिवेशन कहां से मिलता था और उसके बाद इस पीएफआई की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना इसके पैर फैल रहे हैं उतना ही देश को नुकसान हो रहा है। इन तीन जिहादियों के अलावा कानपुर हिंसा में निजाम कुरैशी का नाम भी सामने आया है। उसके तार पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़े मिले हैं और उसके नाम से चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं के प्रति घृणा देखने को मिली है, जिससे शक की सुई हिंसा के राजनीतिक एंगल की तरफ भी मुड़ गई है। खैर, जिस तेजी से जांच चल रही है उससे तो जल्द खुलासा हो ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब इस केस के विदेशी एंगल ने सबको चौंका दिया है, जिससे साबित हो रहा है कि विदेशों में बैठे जिहादियों के आका भारत के खिलाफ प्लानिंग में जुटे हैं, अपने प्यादों के जरिए हिंदुस्तान को आग में झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं, जमकर फंडिंग की जा रही है। ये हम इसलिए दावे से कह रहे हैं क्योंकि कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड का विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। अब आशंका जताई जा रही है कि मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी और उसके साथियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 2019 से हाशमी को विदेशों से फंडिंग हो रही थी। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में एक प्राइवेट बैंक में 2019 को एक खाता खोला गया था। इस बैंक का बकायदा अकाउंट नंबर भी साझा किया गया है। 30 जुलाई 2019 को इस अकाउंट में 3,54,00,000 रुपए जमा किए गए। सितंबर 2021 को 98,00,000 रुपए एक साथ निकाले गए। अभी इस खाते में 1,27,00,000 रुपए जमा है। इसी तरह दो और खातों की जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। इन खातों में महज 2-3 सालों में 47,68,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। अब इन खातों में महज 11,50,000 ही बचा है, जबकि ये खाते 2019 में ही खोले गए थे। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। जल्द ही ईडी इस मामले की जांच करेगा। इसके अलावा कानपुर पुलिस ने हाशमी की रिमांड भी मांगी है। अब उससे आगे की पूछताछ की जाएगी, इन पैसों की डिटेल मांगी जाएगी और अगर ये खुलासा नहीं कर पाया तो जाहिर है इसका लंबा नपना तय है, क्योंकि इशारा यही कहता है कि हयात जफर हाशमी के नाम से बेशक ये अकाउंट है, लेकिन कर्ता धरता सीधे तौर पर पीएफआई है।
PFI को विदेशों से फंडिंग होती है, फिर आगे इस फंडिंग का बंटवारा किया जाता है और हिंसा को भड़काया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस हिंसा का प्लानिंग प्लॉटिंग सोशल मीडिया के जरिए किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरे खेल को अंजाम तक पहुंचाया गया और इसी बीच एक सोशल मीडिया ग्रुप भी सामने आया है जिसमें लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कानपुर हिंसा मामले में जहां पुलिस सख्ती से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा भड़काने वाले लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। हिंसा भड़काने के मामले में आरोपी नदीम कुरैशी के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में समाजवादी पार्टी के दो विधायकों हाजी इरफान सोलंकी जो सीसा मऊ से विधायक हैं और अमिताभ वाजपेयी जो आर्य नगर विधानसभा से विधायक हैं, उनके समेत सपा जिला अध्यक्ष इमरान को एडमिन बनाते हुए ग्रुप में एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान चलाते हुए उनकी दुकानों से सामान न खरीदने का ऐलान भी किया गया। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर किए गए आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसका संज्ञान सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने वाली SIT टीम ने लिया है, क्योंकि ये जिहादी गैंग हिंदुओं के लिए धीरे धीरे खतरा बनती जा रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि कानपुर से हिंदू लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां जिहादी गैंग ने जिस तरह की स्थिति पैदा कर दी है उससे माहौल काफी डरावना हो गया है। तो वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड हयात पर पुलिस टीम ने शिकंजा कस दिया है, उससे इस हिंसा की हर एक प्लानिंग उगलवाई जा रही है, साथ ही विदेशी फंडिंग की भी अब उससे पूछताछ की जाएगी, उसके अकाउंट डिटेल के बारे में जानकारी ली जाएगी कि आखिर कैसे और किसके जरिए पैसा पहुंचाया जाता था और कहां इस पैसे का इस्तेमाल होता था, क्योंकि इस कहानी के कई किरदार हैं जिनका खुलासा होने ही वाला है। जैसे जैसे इस केस में सख्ती बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जिहादियों की फौज बिलबिला रही है। नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी कड़ी में अब अलकायदा ने दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और अब जिहादी गैंग की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही, कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए Capital TV। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। Capital TV, उत्तर प्रदेश।